विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की, और इससे पहले वासुदेव देवनानी पहुंचे थे उपराष्ट्रपति के आवास पर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और देखिए मुलाकात की तस्वीरें, ये दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे थे वो, और उसके बाद में दूसरी तस्वीर जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए भी वासुदेव देवनानी पहुंचे थे, और कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी दोनों के बीच में हुई। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जो कि दिल्ली दौरे पर रहे थे, और इस दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में पहुंचे जहाँ पर उन्होंने देखिए फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया, और इससे पहले वासुदेव देवनानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे उनके बीच में कई मुद्दों को लेकर के बातचीत नजर आई, कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श भी दोनों के बीच में हुआ। और देखिए तोहफा देते आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे, और ये दो तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही है। दिल्ली दौरे से सबसे पहले पहुंचे थे उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए जगदीप धनखड़ के आवास पर वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, और उसके बाद में वो पहुंचे राष्ट्रपति भवन जहां पर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की। और देखिए दिल्ली दौरे से जुड़ी ये दो तस्वीरें जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास भी और महत्वपूर्ण भी हो जाती है, जहां सबसे पहले वो जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उसके बाद में सीधा पहुंचे राष्ट्रपति भवन। दोनों बार पक्ष में भी दो बार रहा, दो बार विपक्ष में भी रहा, और संयोग से अपने जीवन में कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी रहा, तो वहां भी काम को सीखा, तो मुझे लगता है सब मिला करके इन अनुभवों का लाभ मेरे को रहेगा, जिसके कारण से विधानसभा हम अच्छी तरह सबके सहयोग से सबसे संवाद करते हुए हम लोग चलाएंगे, जिसके कारण जनता के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठ सके और हम सब मिलकर के राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने में सारे MLAs और हम मिलकर के एक परिवार की तरह आगे बढ़ें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई और एक शिष्टाचार मुलाकात उनकी हुई है, और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि शिष्टाचार भेंट है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना, विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर चुके हैं स्पीकर वासुदेव गांधी, और एक प्रोटोकॉल के नाते शिष्टाचार भेंट करने के नाते उन्होंने बातचीत की, और एक थोड़ी देर पहले वो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले थे, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है। तो कहा जा सकता है कि आप में एक ऐसा वातावरण है के जरिए पूरा महामहिम को एक औपचारिकता के साथ मिलना, और साथ ही राजस्थान में भविष्य में विधानसभा से जुड़े किसी बड़े आयोजन में उनको बुलाने की बात भी करना, और राजस्थान विधानसभा के गौरवमय इतिहास के बारे में भी बताना, और ये तमाम चीजें आज देखने को मिली। जी योगी जी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया शिष्टाचार मुलाकात ये थी, दोनों ही मुलाकातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जा सकती है, इसके अलावा किसी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की कोई और मुलाकात? देखिए आज दिन भर उनका दिल्ली प्रवास है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही अन्य प्रमुख नेताओं से, प्रमुख लोगों से और विचार परिवार से जुड़े भी प्रमुख लोगों से उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई है दिल्ली दौरे में। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर पूरा आज का जो दौरा है ये एक शिष्टाचार मुलाकात करने से जुड़ा दौरा है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था विधानसभा अध्यक्ष ने, आज का समय दिया गया था, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि खुद राजस्थान से हैं उन्होंने आज का समय दिया था। बिल्कुल योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।